उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया साइट पर कई नामचीन लोगों ने 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुए एग्जाम में पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो एग्जाम से पहले आंसर की का दावा कर रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर शिक्षक अभिनय शर्मा ने लिखा, यूपी पुलिस परीक्षा की सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक। छात्र पढ़ाई भी करे, छात्र छात्र पेपर लीक का पता भी लगाए, उसके बाद भी छात्र ही सबूत दे, यहाँ तक ही सीमित होता है, तब भी ठीक है, किंतु उसके बाद हो रहे अन्याय के लिए भी लड़े। इतना सब होने के बाद मेहनती छात्र का ही समय और उम्र बीतेगी, किंतु जिम्मेदार लोगों का क्या, अंततः छात्रों का ही अहित क्यों। और ये दशा सभी राज्यों की है, धांधली अपने चरम से ऊपर है। हैशटैग यूपी पुलिस भर्ती। आपको बता दें, इस परीक्षा में पेपर लीक की खबरों को लेकर यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट की ओर से एक बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। आपको अवगत करा दें, 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश रिक्वायरमेंट की ओर से एक नया बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वाराणसी के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों में त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया है। प्रकरण को बोर्ड ने पूर्ण गंभीरता से लिया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जांच की जा रही है। अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए बने रहे सरकारी रिजल्ट एग्जाम के साथ।